रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज हुआ करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचा करते थे और उनके हित के लिए ही सारे काम किया करते थे, इसलिए वहाँ की प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। किंतु उनको क्या पता था कि उनकी यह खुशी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। एक दिन एक गिद्ध आकाश में उड़ता हुआ भूतिया पेड़ के बीच को ले जा रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचता है तो उसके मुंह से एकदम बीज रौनकपुर के बीचों बीच में गिर जाता है। बीज बहुत ज़्यादा भूतिया थे, क्योंकि वो जो बीज थे भूतिया पेड़ के ही बीज थे, इसलिए वो बीज भी भूतिया होते हैं। इसी कारण अगले दिन से ही उस बीज में से एक पौधा निकलता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने जब इस पौधे को देखा तो वह हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा पौधा उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक देखा ही नहीं था। वो सब असमंजस में पड़ गए थे कि यह कैसा पौधा है, क्योंकि उस पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी और समझा कि खेत में उगने वाली कोई घास पत्ती होगी या फिर कोई नई तरह की वनस्पति होगी। दूसरे ही दिन वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी कोई भी पौधा या वनस्पति इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ सकती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसा पौधा उन्होंने अपने जीवन में देखा ही नहीं था। उनको क्या पता था उनके साथ आगे हादसे भी होने वाले हैं, जो कि दर्दनाक और खौफनाक होने वाले थे। धीरे धीरे वो जब तीसरे दिन को पहुंचता है तो वो पेड़ और भी बड़ा हो जाता है और वो पेड़ इतना विशाल हो जाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। यूं ही समय बीतने लग गया था, लोग उतना ही हैरान होने लग गए थे और उतना ही सोच कर परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि इतना तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था। जब लोगों में विचारधारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजा के पास जाकर इस मामले को सुलझाया जाए। तो उस गांव के कुछ लोग राजा के पास चले जाते हैं और इस जादुई पौधे के बारे में बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे यह पौधा एक ही दिन में वनस्पति की तरह बड़ा हो गया था और दूसरे दिन यह एक विशाल पौधा भी हो गया था, किंतु तीसरे दिन तो यह पेड़ का रूप ले चुका था। राजा सारी कहानी अच्छे से सुनता है और हैरान हो जाता है। ऐसे जादुई पौधे को जानकर राजा तुरंत ही उस जगह को देखने के बारे में सोचता है और वह बिना किसी देर किए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह जादुई पेड़ लगा हुआ होता है। राजा को जैसे ही पता चलता है कि एक काले रंग का पौधा तीन दिन में पेड़ बना है, तो वह हैरानी पूर्वक उसे देखने वहां पर और भी लोगों को लेकर पहुँचता है। राजा उस पेड़ के पास पहुंचता है तो अब तक कई दिन बीत चुके थे और तब तक यह पेड़ और भी ज़्यादा विशाल हो चुका था। वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि इसका रंग काला है तो ज़रूर इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया हुआ होगा। इसी सोच में राजा घोषणा कर देता है कि इस पेड़ को तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाए और जो भी इस पेड़ को ख़त्म कर देगा वह उसे 1000 सोने के सिक्के दान में देगा। इसे सुनकर वहाँ प्रजा खुश हो जाती है, किंतु उनको क्या पता था कि वो एक मौत को बुलावा देने जा रहे हैं। इसके बाद राजा ने एक और घोषणा कर दी, जिसे सुनने के बाद लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। राजा ने यहाँ तक कह दिया कि पेड़ को ख़त्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी को पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ ख़त्म करने के लिए अपना अपना दिमाग लगाने लग गया। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो जो भी तरकीब लगाने लग गए थे वो सब फेल हो जाती थी और पेड़ की एक भी टहनी भी नष्ट नहीं हो पा रही थी। किंतु सभी लोग, प्रजा और उसके मंत्री, सभी लोग उसी पेड़ को नष्ट करने में लगे हुए थे, किंतु उसके साथ वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे करके वो रोज़ ही नई तकनीक लगाते, कई तरह के तरीके से उसको नष्ट करने की कोशिश भी करते, यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ के आसपास आग भी लगवा दी, किंतु उस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आग लगाने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मंत्रियों ने सोचा क्यों ना इसे हाथियों के साथ खिंचवाया जाए, इससे तो पेड़ अवश्य नष्ट होगा और ज़मीन पर गिर जाएगा।
किंतु उनकी बुद्धि पर तो पाला पड़ चुका था और वह कैसे तैसे करके पेड़ को गिराना चाहते थे, किंतु पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब लोगों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं यह पेड़ भूतिया पेड़ तो नहीं है, जिसे अक्सर आसपास के लोग भी बताते रहते हैं। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा के बारे में पता चल चुका था। जानकारी मिलती ही वह अपने गुरु के पास उस भूतिया पेड़ के जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया, ताकि वो इस पेड़ को नष्ट कर सके। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा तो उसने पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? उस समझदार व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि इस पेड़ को किस प्रकार से नष्ट किया जाए। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, इस पेड़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तभी गुरुजी अपनी तंत्र मंत्र विद्या के साथ बताते हैं कि इस पेड़ को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। इसके लिए तुम्हें इस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। इस तकरीब के बारे में जानते ही वो व्यक्ति तेजी से राजा के पास चला जाता है और उसे कहता है कि इस पेड़ के आसपास नमक डलवाना होगा। ऐसा करने से यह पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा को भी यह तरकीब जचता जाती है और वह सोचता है कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत से तरीके अपना लिए थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बात को भी आजमा कर देख ही लेती हैं कि शायद बात बन ही जाए। होते होते जब और दिन गुजरते हैं तो वह इतना सारा नमक जमा कर लेता है कि उस पेड़ के ऊपर डालकर उस पेड़ को ख़त्म किया जा सके। तब वे सारे लोग इस तरकीब को देखने के लिए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो बताई हुई तरकीब के मुताबिक ही वहाँ पर बहुत सारा नमक लेकर आते हैं और राजा भी वहीं पर होता है। राजा उस पेड़ के आसपास अपने हाथों से नमक डालता है और देखते ही देखते उस पेड़ में से एक आत्मा निकलती है और वह आत्मा बताती है कि इस पेड़ को श्राप मिला हुआ था। इतना ही नहीं, इस पेड़ के बीच जहाँ जहाँ जाते रहेंगे वहाँ पर भूतिया पेड़ उगते जाएंगे। आज तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति करवाई है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इस राज्य को खुशहाल रहने का वरदान देता हूँ। हालांकि जब उस पेड़ में से जब भूत निकलता है तो सब लोग डर जाते हैं कि यह सब क्या हो गया है, और उन्हें यह भी लगता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। किंतु उस भूत की बात सुनकर उनको अच्छा लगता है कि उनके जीवन में हमेशा के लिए यह श्राप भी मिट गया है और उनके गांव को वरदान भी मिल गया है। तब उस राजा को बहुत खुशी होती है और उस व्यक्ति को वे अपनी बताए हुए स्कीम के मुताबिक उसको 1000 सोने की मोहरे भी देती हैं। उसके बाद वो एक पत्र भी बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो राजा मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा, और समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर को चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी मुसीबत आ जाए तो अब हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुसीबत का कोई ना कोई तो रास्ता ज़रूर निकल ही आता है। अगर हम विचार करें तो हर मुसीबत का समाधान किया जा सकता है, ज़रूरत है केवल धैर्य और समझदारी की। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक भूतिया पेड़ की, जिसके बारे में हमने भी कई बार सुना था और सोचा आपके साथ इस कहानी को शेयर किया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर अक्सर इस तरह कहानियाँ डलती रहती हैं। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।